नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। ज्यादातर लोग अपने घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते हैं। ये देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतना ही ढेर सारा गुड लक अपने साथ लेकर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग फल पाने के लिए लाफिंग बुद्धा की अलग अलग तरह की मूर्तियां रखी जाती हैं? फैंसुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अलग अलग गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी इच्छाओं के लिए रखी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति किस विश के लिए कौन सी रखनी चाहिए और किस दिशा में और किस जगह पर रखना चाहिए ताकि आपको लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का पूरा लाभ मिल सके। तो आइए देखें, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति जो कि बच्चों के साथ होती है, ज्यादातर इस मूर्ति में 5 बच्चे होते हैं, ये घर में बहुत सारा गुड लक लेकर आती है। ऐसा कहा जाता है कि ये 5 बच्चों वाली मूर्ति हमारे घर के बच्चों के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह होती है। इस मूर्ति को घर में दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और हो सके तो इसे लिविंग रूम या बेडरूम में रखना चाहिए। ड्रैगन या टोटोइस पे बैठे हुए लाफिंग बुद्धा उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप अपने ऑफिस में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इस मूर्ति को अपने टेबल पर रखिए और इसे इस तरह रखिए कि उसका फेस आपकी तरफ हो। देखते ही देखते आपकी समस्याओं का निदान अपने आप ही मिलता चला जाएगा और आपका करियर ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर आप किसी भी वजह से इस मूर्ति को अपने ऑफिस में नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसे अपने घर पे किसी भी कोने में, पूरब के कोने में रख दीजिए हॉल में, तो भी आपको करियर में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। गोल्डन सिक्के लिए हुए लाफिंग बुद्धा घर में सुख समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अगर आप गोल्डन सिक्कों वाले लाफिंग बुद्धा ले रहे हैं तो ये मूर्ति आप गोल्डन कलर में ही खरीदें। आपको इस मूर्ति को अपने घर के ड्रॉइंग रूम या बेडरूम में रखना चाहिए और इसे पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो इसे दक्षिण पूर्व में ही रखें और नहीं हो सके तो फिर आप इसे पश्चिम दिशा के कोने में भी रख सकते हैं। हाथ में फैन लिए हुए लाफिंग बुद्धा हैप्पीनेस और जॉय रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब लाफिंग बुद्धा उस फैन को हांकते हैं तो उससे आपकी सारी परेशानियां भी उड़ जाती हैं। ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा भी आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों को आर्थिक रूप की समस्या आती रहती है उन्हें अपने घर या ऑफिस में लाफिंग बुद्धा की हाथ ऊपर करी हुई मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सब कुछ होते हुए भी, अपना पूरा बेस्ट देते हुए भी आपको बार बार नाकामयाबी मिल रही है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, आपके काम में अड़चनें आती रहती हैं, तो आपको लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर या ऑफिस में रखनी चाहिए। अगर आप बुद्धा की मूर्ति को अपने ऑफिस में प्लेस करते हैं तो उससे आपको क्लियर माइंड मिलेगा, आपका टेंशन काफी कम हो जाएगा और ट्रस्ट मी, इससे आपके एनिमीज यानी कि आपके जो दुश्मन हैं, जो लोग आपसे ऑफिस में जलते हैं, वो भी काफी कम हो जाएंगे। और कोशिश करें कि इसे आप अपने ऑफिस की डेस्क पर रखें, इससे आपका लक भी बढ़ता है और उसके साथ साथ आपका काम करने का एस्पिरेशन जो होता है वो भी बढ़ेगा। आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो कि आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में मूर्ति रखने के पहले जरूर जरूर जान लेना चाहिए। सबसे पहले, लाफिंग बुद्धा इज अ सिंबल ऑफ लव, सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी, तो इसे उसी तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कभी भी किचन, बाथरूम या जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि कम से कम उस जगह की ऊंचाई आपकी आंखों की ऊंचाई के जितनी जरूर हो। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के पास या फिर वहां पर जहां पर आप मोटर पार्ट्स रखते हैं वहां पर नहीं रखें। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको टीवी के ऊपर या जमीन के ऊपर बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने हॉल में रख रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ये मेन डोर के एकदम सामने रखें, कम से कम 30 डिग्रीज इसका मुंह आपके मेन डोर के सामने होना चाहिए। अगर आप अपने मेन डोर के सामने लाफिंग बुद्धा की मूर्ति नहीं रख सकते, वहां पे रखने की कोई जगह नहीं है, तो इसे किसी भी साइड टेबल पे, कॉर्नर पे रख दीजिए। पर एटलीस्ट आपको इतना देखना चाहिए कि वो मूर्ति जो है वो मेन डोर को फेस कर रही हो।
तो ये हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें, जिन्हें कि आपको अपने घर पर लाफिंग बुद्धा लाने के बाद जरूर जरूर याद रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा किसी को भी गिफ्ट में देना बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर आपको किसी से लाफिंग बुद्धा गिफ्ट में मिलता है तो उसे भी बहुत शुभ माना जाता है। उसे पूरी रिस्पेक्ट दें, आपके घर में इससे खुशियां जरूर आएंगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।